भारत ने जैसे ही आधिकारिक रूप से G20 की कमान संभाली, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी, इन तस्वीरों से पाकिस्तान को चक्कर आने लगा। पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान को भारत से ही भीख मांगनी पड़ेगी। और ये बात तो खुद UN ने ही कहा है। इसके अलावे चीन को भी चक्कर आने लगा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान और चीन की एंट्री ने इसे बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और चीन को नचाने वाले हैं। और इसके साथ ही विपक्ष की जो भूमिका होगी ना 2024 के चुनाव से पहले, वो भी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले ये तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है। इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। इंडोनेशिया की तस्वीर है। G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ग्रहण कर रहे हैं, उन दुनिया भर के उन ताकतवर देशों के सामने जो टॉप 20 में हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो तस्वीर है ना, ये पहली बार नज़र आ रही है। कभी भी भारत के इतिहास में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में नहीं हुआ, और ये प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का नतीजा है, उनके परिश्रम का नतीजा है। और वो जो डिप्लोमेसी अब तक उन्होंने की है ना, उसका ये परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। और इसके बाद मैं आपको पाकिस्तान और चीन की छटपटाहट बताऊं, किस प्रकार से उनके पेट में दर्द हो रहा है। उससे पहले एक छोटा सा कि G20 क्या है, ये भी आप समझ लीजिए कि इसमें यूरोपियन यूनियन के अलावा जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है ना, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इसके अलावा जितने ताकतवर देश हैं, वो सभी के सभी G20 के मेंबर स्टेट हैं, सदस्य देश हैं। और जो G20 है, इसकी ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वैश्विक GDP है, उसका 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी के 60% हिस्से का ये संगठन प्रतिनिधित्व करता है। और अब याद रखिए, इस संगठन की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से ये अध्यक्षता ली है। और जैसे ही उन्होंने ये प्रेसिडेंसी ली, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया और बताया कि G20 के बारे में उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, उनका विजन क्या है। बहुत ही कम शब्द, सिर्फ 6 शब्द हैं, सुन लीजिए आप। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन इन शब्दों से परे, ये तो शब्द जैसे कहते हैं ना कि भारत की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना का प्रतीक है। लेकिन इसके अलावे प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। अब जब आप उस बयान को सुनेंगे, तब समझ में आएगा कि ये जो विश्व की नीतियां हैं, जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं, और उसमें जो चीन और पाकिस्तान की भूमिका है, छटपटाहट है, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या है। पहले उस बयान को सुनिए। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। अब जरा हलचल पैदा करने वाली खबर देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता ले ली है, 1 दिसंबर से यह अध्यक्षता शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि G20 की जितनी भी गतिविधियां होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगे, वो भारत में होंगे। और G20 का जो शिखर सम्मेलन है, वो अगले साल
भारत में होने वाला है, यही समय होगा। और याद रखिए 2024 में चुनाव भी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। जो G20 का सम्मेलन होगा, जो इवेंट्स होंगे ना, उसमें एक महत्वपूर्ण लोकेशन के तौर पर कश्मीर का चयन किया गया है। ध्यान से देख लीजिए इस खबर को। G20 के जो भी इवेंट्स होंगे उसमें एक महत्वपूर्ण जो इवेंट होगा वो कश्मीर में भी होगा। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि कश्मीर का जो चयन किया गया है उससे क्या होने वाला है। तो इससे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जब ये इवेंट कश्मीर में होगा ना, तो एक साथ बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे पाकिस्तान का बड़ा दावा रहता है ना कश्मीर को लेकर के, उसको धक्का पहुंचने वाला है। पाकिस्तान जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा करता है कश्मीर को लेकर कि कश्मीर की स्थितियां कितनी खराब हैं, वो सब की सब दूर हो जाएंगी और सारे विश्व के बड़े नेता कश्मीर में इस बात को भी देखेंगे। चीन का भी दावा है, चीन भी कश्मीर को लेकर तमाम तरह के दावे करता है, भ्रांतियां फैलाता है, वो भी दूर होने वाला है। अभी तो कश्मीर में जब 370 आर्टिकल को खत्म किया गया तो आप सब जानते हैं कि दुनिया में किस तरीके से इन लोगों ने ढिंढोरा पीटा। लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से कोई भी देश उनके साथ नहीं आया, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें साक्षात दर्शन करवाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि कश्मीर में ये इवेंट होंगे। और पाकिस्तान ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, आप देख लीजिए G20 के जितने देश है ना, उनको अप्रोच करना भी शुरू कर दिया कि भैया हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, ये देख लो अब। लेकिन वो तो प्रोपेगेंडा करता है ना, लेकिन G20 का तो वो सदस्य है ही नहीं, उसकी तो हैसियत ही नहीं है कि वो G20 में शामिल हो सके, वो तो भीख मांगने वाला देश है। तो इन परिस्थितियों में जब उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, तो पाकिस्तान ने फिर चीन, तुर्की और सऊदी अरब, इन देशों को स्पेसिफिकली टारगेट करना शुरू किया, इनके पास पहुंचा, चीन, तुर्की और सऊदी अरब। अब तुर्की जो बार बार उछल रहा था भारत के खिलाफ, अब तो मेरे ख्याल से शांत पड़ गया है ना। और सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। बच गया चीन, तो एकमात्र चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, वही चीन जो बार बार संयुक्त राष्ट्र में जाकर पाकिस्तान के समर्थन में वोट करता है। और सिर्फ समर्थन नहीं किया, चीन का जो आधिकारिक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने इसके समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में लेख लिखे, वो विचारों को फैलाने लगा। जैसे कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा वो करता है, ठीक उसी प्रकार का प्रोपेगेंडा चीन ने पाकिस्तान के फेवर में करने की कोशिश की। अब जब पाकिस्तान के समर्थन में चीन उतर आया है, तो प्रधानमंत्री मोदी तो चुप रहेंगे नहीं, वो भी तो कुछ करेंगे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है वो चीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी तक तो G20 के जो इवेंट्स हैं वो कश्मीर में ही होने वाले थे, अब G20 के इवेंट लद्दाख में भी होंगे। जी हाँ, लद्दाख में, देख लीजिए ये न्यूज़, चीन को इससे बड़ी मिर्ची लगने वाली है। और जो अभी पीएम और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तो बहुत सारे लोग ताने मार रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी दुश्मनों को मारते कम है, सुलगाते ज़्यादा है। ये जो है ना ये तस्वीर, वो वही है, मतलब सामने से तो जी प्रेम मोहम्मद से, लेकिन जो वो अपनी कार्रवाई करते हैं ना, उसका बहुत ही दूरगामी असर पड़ता है। और लद्दाख में जो ये G20 के कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ये सही मायने में कहा जाए तो चीन के मुंह पर भी एक तमाचा है, क्योंकि लद्दाख के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि लद्दाख को चीन अपना क्षेत्र मानता है। चीन लद्दाख पर हमेशा से दावा करता रहा है, और कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से भारत ने कभी भी चीन को इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति नहीं दिखाई, ना ही अपना जो एक दृढ़ निश्चय होता है ना, वो भी प्रदर्शित करने का साहस नहीं किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि चीन तो लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है, वो तो कहता है कि ये दोनों क्षेत्र हमारे हैं। और यही वजह है कि जब भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे
और उन्होंने जब एक बार अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की तो चीन ने आंखें दिखाई, आंखें तरेरी और पूछा कि आप अरुणाचल प्रदेश में कैसे पहुंच गए। जरा सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत के ही एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में जा नहीं सकता और चीन धमकी देता है। और ये बात देखिए, रॉयटर की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं क्या लिखा है, मनमोहन मेक्स रेयर विजिट टू अरुणाचल प्रदेश। यानी मनमोहन सिंह रेयर विजिट करते थे, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री मोदी पर आइए, आप रेयर विजिट तो छोड़ दीजिए, इतने दौरे किए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कि चीन की बोलती ही बंद हो गई, कुछ नहीं बोल सकता आज चीन। प्रधानमंत्री मोदी इतने दौरे करते हैं, हर मंत्रियों को 15 दिन में भेजते रहे हैं शुरुआती समय में, आपको पता होगा। और अब तो चीन के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं दलाई लामा, उनको साथ लेकर के अरुणाचल प्रदेश जाने वाले हैं। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की नीति। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को किस प्रकार से सबक सिखाया ये तो हमने डोकलाम के बाद गलवान में भी देखा, और गलवान के बाद तो अचानक से वो सीधे लद्दाख पहुंच गए और साफ साफ चेतावनी दी चीन को, बिना नाम लिए, इशारों में ही समझा दिया कि ना हम आंख दिखाते हैं ना गिराते हैं, नजरें जो है नीची नहीं झुकाते, हम आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। ये साफ साफ कहा चीन को। और यही वजह है कि जब कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर के चीन ने विरोध करना शुरू किया तो पीएम मोदी ने तय कर दिया, आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा, कि लद्दाख में कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। और अब तो मामला और आगे बढ़ गया है। G20 की अध्यक्षता जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण की, पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा, उसे चक्कर आने लगा। क्यों? क्योंकि इस समय पाकिस्तान फटेहाल स्थिति में है, कंगाल है, वो तमाम देशों से भीख मांग रहा है। और जब ये चीज़ें हद से पार हो गई तो यूनाइटेड नेशन ने ये सलाह दी, ये संदेश दिया कि अब ये काम भारत ही करेगा। और देखिए आप रिपोर्ट कि उसने कहा, यूएन वांट्स इंडिया टू मोबिलाइज G20 टू हेल्प डेब्ट स्ट्रेस्ड कंट्रीज, और इसमें तीन देशों का नाम है, भारत के तीन पड़ोसी हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यूएन ने साफ कह दिया कि भारत ही इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो कहां तक जाकर के मदद करे। और साथियों, आप याद रखिए, जब मैं पाकिस्तान और चीन की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर अपने ही देश के जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है और तमाम विपक्षी पार्टियां, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि जब G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण की है तो ये मानकर चलिए कि दुनिया के कई ऐसे देश होंगे जो खुश नहीं होंगे, और उनमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जब देश की जनता पीएम के साथ है तो पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं, उनके हौसले भी बुलंद होते हैं। लेकिन इस देश की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो दुश्मन देशों की तरफ बात करने लगती हैं। अब जैसे देखिए ना, अभी एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, पीएम मोदी ने G20 के न्यू लोगो को लॉन्च किया और उसमें कमल का फूल था, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों ने विरोध कर दिया। भैया क्यों विरोध कर रहे हो? तो इसलिए कि कमल का फूल जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि यही कमल का फूल तो नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है, और ये तो खुद जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया था। तो यहां आकर के आपको एक मोर्चे पर, आप भले ना माने और हमें भी यकीन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पाकिस्तान और चीन के बराबर नजर आती है। कांग्रेस वही रवैया अपनाती है जो पाकिस्तान और चीन अपनाता है। वैसे G20 की बात हो रही है तो आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहूंगा कि ये जो इवेंट्स होंगे भारत में, शिखर सम्मेलन होगा और तमाम तरह के जो कार्यक्रम होंगे, वो सिर्फ दिल्ली में या कश्मीर में या लद्दाख में नहीं, बल्कि 200 से अधिक कार्यक्रम होंगे और वो कार्यक्रम 55 से अधिक स्थानों पर होंगे। ये भी एक रणनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से उन्होंने रणनीतिक तौर पर तय किया कि जो सारी चीज़ें दिल्ली में सीमित होती है ना, उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएंगे, ताकि जो स्थानीय आकांक्षाएं हैं वो भी तो
सामने आए ना, लोगों को पता चले कि भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है बल्कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहर हैं। और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए तो वाराणसी में स्वागत हुआ, पुर्तगाल के राष्ट्रपति का मुंबई में, चीनी राष्ट्रपति का तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, फ्रांस के राष्ट्रपति को बनारस और मिर्ज़ापुर लेकर गए, फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें, ये जो लेख मैं आपके सामने रखा हूँ इसमें सारी जानकारियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो अहमदाबाद में। तो इसका मतलब ये है कि साल 2023 के अंत में जो 200 से अधिक कार्यक्रम होंगे वो कश्मीर में तो होंगे, लद्दाख में तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई सामने आएंगी जो पूरी दुनिया के लिए कुछ नई दिशा और दशा भी तय करने वाली हैं। साथियों, जिस विश्व गुरु की कल्पना हम दशकों से करते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्पना की बात कह रहा हूं, वो आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। जब भारत पहली बार G20 जैसे वैश्विक संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा और दशा तय करे, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत के भीतर मौजूद उन शक्तियों को लेकर है जो अक्सर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों से भी निपटना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन देशवासियों का भी, यहाँ की जनता का भी ये कर्तव्य है कि उन शक्तियों को पहचाने और लगातार उसका पर्दाफाश करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो शॉर्ट वीडियो का संस्करण है वो दोबारा से शुरू किया है, आप ज़रूर देखिए। इसमें बहुत ही कम समय में, 60 सेकंड से भी कम समय में, मैं पूरी की पूरी कहानी एक नए तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ, तो इसे भी ज़रूर देखिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।